नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। आज ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद आ रहा है और हम हैं अभी पदमपुरी के जंगलों में, पहाड़ में पाखान देवी जा रहे हैं। आपने काफ़ी टाइम पहले मेरा ब्लॉग देखा होगा, यहाँ मंदिर का भागवत में आए थे हम यहाँ, तो आज फिर से दोबारा दर्शन करने का मौका मिल रहा है। जड़िया और जानवर भी दिख रहे हैं ऊपर। मन्नू भाई के साथ हैं आज हम। हिरन है ऊपर, एक हिरन नहीं हो, काकड़ होगा। इसमें दिख भी नहीं रहा कैमरे, देखा है वो हमको। चल हिरन ही है, पहाड़ी हिरन होगा ना। और ये जंगल में वहाँ मन्नू भाई हमारे हेलमेट डाल के, मन्नू भाई की बाइक में आए हैं हम। अभी बाइक भी दिखाएंगे आपको। और ठंडा भी बहुत है आज मौसम। और ब्लॉग भी हम यहाँ पहुँच के स्टार्ट कर रहे हैं, सुबह से नहीं किया। सुबह हम घर से आए अपने कोटाबाग से ही, तो 12 बज गया है, अभी 1 बज गया है, 1 बजने वाला है। 10 बजे निकले थे हम, अभी मंदिर नहीं पहुँचे, अब पहुँचने वाले हैं। थोड़ा ही है, पैदल जाना है बस। और ये नज़ारा कुछ यहाँ से, इतनी ऊँचाई पर हैं अभी हम काफ़ी। रात में यहाँ से पूरा हल्द्वानी दिखता है, और क्या ही नज़ारा आ रहा है। चले हैं हम पैदल पैदल, थोड़ा सा और है यहाँ पर से। तो गाइस, आज से जहाँ तक है डेली आएंगे ब्लॉग, कोशिश रहेगी पूरी की डेली ब्लॉग डाले। बीच में काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं आए, 2-3 महीने हो गए ब्लॉग तो नहीं आए, ऐसे शॉर्ट्स वीडियो डालते रहा। बट अब कोशिश रहेगी कि पूरी ब्लॉग आए प्रॉपर लगातार। और जिस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब तो कर ही दे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपको और भी अमेजिंग वीडियो बना के दिखाते रहें ऐसी पहाड़ों की। और पहुंच गए हैं हम मंदिर के रास्ते पे, और बढ़िया धूप खिली है यहाँ। हल्द्वानी तो कोहरा था सुबह, नीचे को गाइस ये है रास्ता। रास्ता काफ़ी टाइम पहले आया होगा अगला ब्लॉग हमारा यहाँ का। भागवत करी थी तब हमने, यहाँ भागवत में आए थे, यहाँ भागवत हो रही थी उस टाइम पर आए थे। और क्या ही नज़ारा आता है यहाँ से, देखिए बढ़िया धूप खिली हुई है, हल्के बादल भी हैं, पतला सा रास्ता है। तो गाइस पहुँच गए हैं अभी मंदिर पे हम, पखान देवी सामने मंदिर है। और यहाँ मंदिर से जो नज़ारा आता है देखिए, क्या ही ज़बरदस्त नज़ारा है। नीचे एकदम खाई। तो गाइस अभी दर्शन कर दिए हैं मंदिर के, और दर्शन करके अब जा रहे हैं हम दोबारा अपने घर को, निकल गए हैं। हाँ दस्ताने लगिया, और उसमें नज़ारा देख ही रहे हैं आप पीछे का कैसा है, एकदम खाई है एक साइड को और दूसरी तरफ जंगल। और चले हैं अभी हम सीधे। तो दोस्तों अभी पहुंचने वाले हैं हम नैनीताल, और पीछे की वादियाँ देखें, रुके हैं अभी। और ये हमारी गाड़ी जिसमें हम आए थे, मैक्स 100। और यहाँ से भी कुछ काफ़ी अच्छा नज़ारा आ रहा है, क्या है नैनीताल के पहाड़ पूरे। तो गाइस अभी हम पहुँच गए नैनीताल, पीछे हमारे देख सकते हैं पूरी झील। और ठंडा भी बहुत हो रखा है, शाम हो गई है, मौसम फिर भी सही है। इधर मुन्नू भाई भी खड़े हैं साथ में, तो आज काफ़ी लंबा टूर मार दिया हमने, घूमने में लगे हैं। तो गाइस अब निकल गए हैं हम नैनीताल से, ये मस्ती मौसम नैनीताल का। थोड़ा मन्नू भाई कर रहे हैं ड्राइविंग, अभी तक हम कर रहे थे, थोड़ा ब्लॉग शूट करेंगे तब तक, उसके बाद हम चलाएंगे गाड़ी आगे से। और ठंड काफ़ी है आज, बर्फ़ पड़ने का साथ सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई यहाँ, अभी कुछ नहीं है फिलहाल, अभी तो साफ ही लग रहा है मौसम। देखिए 2-4 दिनों पड़ सकती है बर्फ़।
गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:30 और घर पहुंच गए हैं। मुन्नू भाई भी अपने घर को चले गए हैं, हम भी घर पहुंच गए हैं। और ये हमारा शेरू और जूली। चल इधर इधर इधर, कहाँ नाच रहे हैं? अरे इससे कह रहा हूँ शेरू से। आजा। तो गाइस अभी खाना पीना खा लिया है, रात का डिनर हो गया है और आ गए हैं बिस्तर पे सोने के लिए। तो आज काफ़ी लंबा टूर मारा हमने। पहले हम सुबह यहाँ से पदमपुरी के लिए निकले, पदमपुरी से वहीं पखान देवी मंदिर, उसके बाद नैनीताल वाले रूट से अपने घर को आए। तो कम से कम 160 किलोमीटर लगभग आज गाड़ी चलाई है। और सबसे बड़ी बात कि मुन्नू भाई की वो बाइक चल गई इतना पहाड़ों में, मैं तो उसको देख के हैरान हूँ। तो आज के ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियोस को और पूरी वीडियो देखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।